अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज द प्रॉपर, वी आर स्टडीइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें आपको एक जो पढ़ना है उसको हम बोलते हैं वेरे। आज हम जो फ्लूइड्स के बारे में हमने पढ़ा, व्हाट इज फ्लूइड, मतलब फ्लूइड सच अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबिलिटी ऑफ फ्लोइंग एंड इट चेंज इट्स शेप। तो इसके बाद जो आपको एक यहाँ पे पढ़ना है एक वेरिएशन, एक प्रेशर है, प्रेशर के बारे में हमने आप पढ़ा कि द फोर्स एग्जर्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मतलब इन अ यूनिट एरिया इज द प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो होता है परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालने होगा तो पी इंटू ए, वो एफ इज इक्वल टू पी ए। तो यहां पे एक पॉइंट पढ़ना है आपको, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, यानी कि जितना मैं जब फोर्स, अगर मैं यहां पे एक लिक्विड लूंगा, एक बीकर लूंगा, इसमें लिक्विड लूंगा, तो जितना ज्यादा मैं प्रेशर एग्जर्ट करूंगा, मैं कितना मतलब जितना मैं डेप्थ जाऊंगा, डीप जाऊंगा, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, इस तरीके से यहां पे आप एक सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर हमने लिया, इसमें है वाटर, सपोज यहां पे इस लाइन पे हमें प्रेशर ढूंढना है, यहां पे पॉइंट ए रखेंगे, इसको हम रखेंगे ए, पॉइंट ए। यहां पे सपोज एक सिलेंडर है, यहां पे जो प्रेशर होगा आउटसाइड दैट इज पी नॉट, इसका हाइट जो होगा वो होगा h। अब हमें इसका जो प्रेशर देखना है एट पॉइंट ए, यानी कि हमें जो ड्राइव करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर की डेप्थ के साथ साथ प्रेशर कितना वेरी हो जाएगा, वो कितना ज्यादा होगा। यहां इस पॉइंट पे हम जो ये सिलेंडर मान लेते हैं, हम इसको हम निकालते हैं, सपोज यहां पे बनाते हैं, ये एक सिलेंडर है, यहां पे यही सिलेंडर जो मैंने अभी बताया इस टैंकर इस बीकर में, यही है ना। तो यहां पे इसमें वाटर है, इस सिलेंडर में वाटर है, ऑलरेडी वाटर है, ये वाटर इसमें है, ये एटमॉस्फेयर, ये पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इस तरीके से सपोज मैं यहां पे इस पे फोर्स एक्ट कर रहा हूं, है ना, यहां पे हमें प्रेशर देखना है इस पॉइंट पे, तो यहां पे मैं इसको फोर्स एक्ट कर रहा हूं डाउनवर्ड फोर्स, उसको हम रखेंगे पी नॉट ए, क्योंकि मैंने आपको बताया एफ इज इक्वल टू पी, सॉरी पी इज इक्वल टू एफ ए, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स होगा यहां प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया दैट इज डाउनवर्ड फोर्स, और यहां पर हम लगाएंगे इसको अपवर्ड फोर्स दैट इज P into A, PA, है ना, PA। इस तरह से यहां पे हाइट जो होगी वो होगी H। यहां पे इसका वेट जो होगा, वेट ये है यहां पे प्रेशर P, सपोज ये वेट दैट इज W इज इक्वल टू mg। अब हमें देखना होगा कि क्या प्रेशर वेरिएशन क्या आते हैं इसमें डेप्थ में जाने में, तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे पहले डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स का कौन कौन सा है, डाउनवर्ड फोर्स में आता है पी, कौन कौन सा फोर्स लगता है इसमें डाउनवर्ड, पी नॉट ए, है ना, और लगता है इसमें एम प्लस एम जी, है ना, इज इक्वल टू पी ए, ये है अपवर्ड फोर्स, पी नॉट ए प्लस एम जी इज इक्वल टू पी ए, डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहां पे पी, सॉरी आप देखेंगे इसका पहले मास, मास क्या होगा इसका मास, तो वो होता है बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हम निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, डेंसिटी उसका है वो होता है रो, रो। वॉल्यूम यहां पे हम लिखेंगे एरिया इंटू हाइट, क्या वॉल्यूम होता है बराबर वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, है ना, ये एक है ना, लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, तो एल इनटू बी दिस इज एरिया, ये एरिया के बराबर होता है और ये एच होगा, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इनटू एच,
ए इंटू एच, यहां पे लिखेंगे ए इंटू एच, रखा, ये इसका मास है, है? इसके बाद ये हमने निकाला मास भी, डाउनवर्ड फोर्स भी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी, है ना, लिख सकते हैं। तो पी ए पैसे निकालने के लिए पी नॉट ए है ना प्लस मास, मास के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये किसके बराबर है मास, रो इंटू ए इंटू एच, रो ए एच हो गया जी, है ना। तो ये होगा एरिया यहाँ पे कैंसल, एरिया होगा कैंसल, तो हमें निकलेगा पी इज इक्वल टू पी नॉट रो एच जी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी इज इक्वल टू पी नॉट रो रो जी एच। दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, या इस पे जो ये प्रेशर होगा ये है वो प्रेशर, पी है वो प्रेशर, पी नॉट क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो रो जी एच ये है, ये क्या है डेंसिटी, किसकी एट पॉइंट विद हाइट एच, डेंसिटी इस लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो जी एच है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद हाइट एच। तो ये हमने निकाला, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ